सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द्वाराहाट के पूर्व विधायक और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनियुक्त अध्यक्ष हैं महेश नेगी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि अब उत्तराखंड में ओलंपिक के संबंध में, खेल के संबंध में उनकी कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे उसको फेस करेंगे और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए वो क्या काम करेंगे, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर हमारा आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। पहले धन्यवाद, बहुत बहुत जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, कैसे इसको फेस करेंगे? जैसा कि उत्तराखंड को सर्वप्रथम जो है मैं धन्यवाद भारतीय ओलंपिक संघ के राजीव मेहता जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें जो है नेशनल गेम अवार्ड करवा रखे हैं। तो जो अगला जो जनवरी या अगले साल नेशनल गेम उत्तराखंड में जो होने हैं उसके लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हम सारे खिलाड़ियों को यहां पर एकत्र करके कैसे उनको आगे बढ़ाने का काम करें, कैसे हर जिले के लोग, हर गेम के लोग जो ओलंपिक संघ से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को कैसे मैदान में और कैसे हम उनको और अच्छी फैसिलिटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें हम लोग लगातार लगे पड़े हुए हैं और उसको जल्दी से जल्दी हम जो है हमारी तैयारियां जो है वो बहुत तेजी से चल भी रही हैं और हम नेशनल गेम के लिए प्रिपेयर भी है, मेंटली प्रिपेयर भी है। सर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, उत्तराखंड में जनरली जो है क्रिकेट का बड़ा क्रेज रहता है, गाँव गाँव में क्रिकेट खेला जाता है, तो ऐसे में आपको उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे युवाओं को उसे निकाल के कैसे खेलों की तरफ जोड़ा जाए, कैसे आपके दिमाग में क्या इसके लिए थीम बनी है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पहाड़ के या कहीं के भी बहुत से लोग, अधिकतर मात्रा में लोग जो है क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो है ओलंपिक संघ के साथ जो 36 गेम जुड़े हुए हैं उन गेमों में भी हमारी सहभागिता बहुत अच्छी है उत्तराखंड की। और हम चाहेंगे कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा तामझाम चाहिए, क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, हमारे पास बहुत से खेल ऐसे हैं जिसमें बच्चे अपने भविष्य सुधार सकते हैं, जैसे कि अपने कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो ये जो है छोटे छोटे ग्राउंड में ये खेल होने को तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे 13 जिलों में जो जनपद हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जनपद हैं निश्चित तौर पर वहाँ पर सुविधाएं ये अब हम मैक्सिमम इसको बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे और ये बढ़ भी रहे हैं और भगवान की दया से जो है एक अच्छा जो है स्पोर्ट्समैन हम पहाड़ी बेल्ट से भी निकालने का काम करेंगे। और बहुत से लोग जिनका लगातार क्रिकेट की ओर रुझान है उनको पता है कि ये खाली एक हम केवल मनोरंजन का साधन है क्रिकेट यहाँ पर पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से जब आगे खेलेंगे तो उनको जाना पड़ेगा बाहर ही, उतना स्कोप यहाँ पर नहीं है, उतने अच्छे कोचेज यहाँ पर नहीं है, उतनी टेक्निकल कोचिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, तो वो सब चीजों के लिए जो जाना पड़ेगा। और अन्य गेमों के लिए जो है हमें हमारे पास यहाँ पर भरपूर तरीके से वो चीज है, हाई एटीट्यूड हमारे पास है, हाई एटीट्यूड में जो है हम बच्चों को जो है यहाँ पर जो है इंडोरेंस कैपेसिटी उनकी बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद पावर कैपेसिटी हम वेट लिफ्टिंग और अन्य चीजों से बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हमें एजिलिटी मोबिलिटी बढ़ानी है, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए बहुत बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए हमारे बच्चे यहीं पर पहाड़ों में सक्षम है और हमारे पास इतनी चीजें अवेलेबल भी हैं जिससे कि हम एक अच्छा खिलाड़ी निकाल सकते हैं। केवल जरूरत इस बात की है कि हर जिले में, हर गाँव के अंदर हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कोचेज भेजने की जरूरत है। हमारी सरकार अगर इसमें कोचेज लोगों को अपॉइंटमेंट अधिक से अधिक करवा देगी तो निश्चित तौर पे एक अच्छा रिजल्ट निकलने की संभावना है। सर निकट भविष्य में उत्तराखंड में अब राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, क्या उसकी आपके स्तर से और सरकार के स्तर से क्या उसकी तैयारियां चल रही है? मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, निश्चित तौर पर वो खेलों की ओर उनका बहुत अच्छा रुझान है, वो अपने आप में एक खेल प्रेमी व्यक्ति भी हैं और खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जितना भी हो सकता है मैक्सिमम वो करने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी हर जिले से 300-300 उदयमान बच्चों को जो है 1,500-1,500 रुपए, आज तक कभी नहीं मिलता था, इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, नौकरी के लिए 4% उन्होंने आरक्षण जो है खिलाड़ियों के लिए अलग से रखने का काम कर दिया है। हमारे पास स्टेडियम
इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम उत्तराखंड में बन चुके हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स कॉलेज जो है उनकी संख्या है लगातार बढ़ रही है। पिथौरागढ़ में भी स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू हो गया 2-3 साल से, उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारे अधिकतर जिलों में जो है स्पोर्ट्स हॉस्टल भी खोल दिए गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, सरकार इस ओर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और अच्छा कार्य कर रही है। अभी ओलंपिक खेलने जो लोग गए हुए थे और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन लोगों को 50-50 लाख रुपए सरकार ने स्पेशल उनको पुरस्कार के तौर पर देने का काम किया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की। सर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि भविष्य में युवाओं को जो है ओलंपिक के खेल है उनसे जोड़ा जाएगा, लेकिन हमने राष्ट्रीय स्तर पर अभी देखा तो ओलंपिक जब खेल हुए तो हमारे उतने उम्मीद के मुताबिक हमारे उतने मेडल नहीं आ पाए, तो युवाओं में कैसे मैसेज जाए कि यार ओलंपिक में तुम आप खेलों को खेलो तुम्हारा करियर है, तो कैसे कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं? मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, जब हम हमारा देश आजाद नहीं था तब कुछ मेडल ओलंपिक में भारत को मिले हुए थे, उसके बाद जब से देश आजाद हुआ एक हॉकी के अलावा हमें 40 साल तक करीब कोई मेडल मिलने, 30-35 साल तक कोई मेडल मिलने की कोई आशा भी नहीं थी और ना मेडल हमें मिला। मैं तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ कि इधर 10-12-15 सालों से जो है लगातार भारत ओलंपिक में मेडलों में बढ़ोतरी करते जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है कि हम अब भारत के ओलंपिक का गोल्ड भी भारत को मिल चुका है। तो आगे को जो हमारी और अच्छी जो तैयारी सरकारों की तैयारियां हैं वो बहुत और तेजी से चल रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट 2-3 ओलंपिकों में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। सर हम देखते हैं कि जिला स्तर पर या गांव स्तर पर भी कई खेल एसोसिएशन उभर के आ गए हैं, कुकुर मुत्तों की तरह भी आ गए हैं, वो युवाओं को जोड़ते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको उनसे फीस भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब देखा जाता है वो जो कहीं अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो कहीं काम नहीं आता है, तो कितनी बड़ी चुनौती है कैसे युवाओं को उनसे बाहर निकाल के आप अपने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन से जोड़ पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने खिलाड़ियों के हक में इस बात रखी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल के समस्त जो हमारे 9-10 जिले हैं पहाड़ी क्षेत्र के जिले हैं उनमें अधिकतर लोगों को केवल खेलने से मतलब है, केवल मनोरंजन से मतलब है, वो इसको अपना रोजगार नहीं बना पा रहे, खेलों को रोजगार नहीं बना पा रहे, तो इसके लिए इनके लिए प्लेटफॉर्म जो है ओलंपिक संघ और खेल संघों से ही जुड़ना पड़ेगा। अगर खेल संघों में जितनी प्रतियोगिता हो रही है, इस बार हमने आपने देखा होगा हमने रुद्रपुर में एक बहुत बढ़िया 5वीं राज्य ओलंपिक संघ के बैनर तहत सारे खेल करवाए। ये खेल कराने का मकसद हमारा ये था कि जो हमारे खिलाड़ी ऑफ सीजन में जो वर्क करते हैं, जो कि बरसातों के दिनों में हमारा ऑफ सीजन चलता है, उससे पहले मई जून से लगातार जो ऑफ सीजन चलता है, तो धीरे धीरे वो स्पीड में जब खिलाड़ी आते हैं तो स्पीड में खिलाड़ी आने के बाद जब अपने पीक सीजन में आते हैं तो कंपटीशन में उनको मेडल मिलना शुरू हो जाता है। तो आज के देश में ये खेल कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह भी था, जो हमने अभी ओलंपिक संघ ने जो अभी खेल कराए तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो खिलाड़ी पूरे साल भर मेहनत करते हैं तो उनको मैक्सिमम कंपटीशन मिलने चाहिए। अगर किसी कारणवश सरकार या अन्य लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, वैसे ये तो ओलंपिक संघ का अपना दायरा है, तो इसको अगर किसी तरीके से कोई बात पे अगर खेल रुकते हैं तो उसको खेल को हमने कराने के इसलिए कराए गए कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं हमारे जो खेल रहे हैं पूरे साल भर से, जो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम मैक्सिमम कंपटीशन अगर देंगे तो निश्चित तौर पे वो सर्टिफिकेट भी उनके काम आएंगे और आने वाला जो हमारे पास चैलेंज हमारे मुंह के सामने खड़ा है राष्ट्रीय खेलों के तहत उत्तराखंड के अंदर जो खड़ा है उसके लिए भी हम अपने बच्चों को एकत्र कर पाएंगे और केवल राष्ट्रीय खेलों में खेलने के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो ओलंपिक संघ ही है। जैसे कि आपने बताया कि अन्य गांव-गांव में लोग बाग अपने अपने संघ बना के जो ये प्रतियोगिता करवा दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू कहीं पर नहीं है। ठीक है, गांव का खेल है वो मनोरंजन तक सीमित है, उससे केवल मनोरंजन हाँ वो कर सकते हैं, छोटे मोटे खेलों में कर सकते हैं, लेकिन जिसने जो है इसको करियर बनाना है करियर के लिए आपको खेल संघों से ही ओलंपिक से ही जुड़ना पड़ेगा। सर अभी आपने स्टेट ओलंपिक की बात की जो आपने रुद्रपुर में अभी संपन्न कराया, बहुत अच्छी तरीके से उसको संपन्न कराया, लेकिन ये कमी उसमें नजर ये आई कि उसमें जो है आपका खेल विभाग
विभाग जो प्रदेश का, उसका इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया, तो ये क्या वजह है कि वो जो कम्युनिकेशन गैप ऐसा क्यों बन पा रहा है? इसमें बहुत लंबे समय से पूरी प्रक्रिया चल रही थी कि स्टेट खेल तुरंत कराने हैं, क्योंकि उन बच्चों को कैंप में भी लेना है, उन्हीं बच्चों के द्वारा हमने जो है नेशनल गेम में परफॉर्मेंस भी लेनी है। तो अचानक पता नहीं सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, फिर एक सरकार की तरफ से एक बयान आया कि खेल अभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो जो बच्चे अपना प्रिपेयर हो चुके थे, जिन बच्चों ने अपना ऑफ सीजन को सीजन में ले आए थे, जो अपना जो है स्ट्रेंथ और इंडोरेंस से हटकर स्पीड वर्क की तरफ आ चुका था खिलाड़ी, उसको कंपटीशन की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसकी पीक जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि खिलाड़ी साल भर पीक में रहे, उसको शुरुआती फेज में हैवी वर्क करके, हैवी काम करके पहले इंडोरेंस बढ़ानी पड़ती है, फिर पावर बढ़ाना पड़ता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़नी चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद एजिलिटी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बननी चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसको कंपटीशन के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तो उस समय टोटली स्पीड का वर्क होता है। तो कंपटीशन में जितने बच्चे आए थे उत्तराखंड में, ये वर्षों से जो एक रिवाज इंडिया में है कि इतने इतने महीने ऑफ सीजन चलेगा, फिर मिड सीजन चलेगा, फिर सीजन चलेगा, तो सीजन का टाइम आ चुका है, इसलिए उनको कंपटीशन देना खिलाड़ियों को बहुत आवश्यक जरूरी था। इसलिए ओलंपिक संघ ने निर्णय लिया कि हम लोग खेलों को करवाएंगे, तो हम लोगों ने खुद ही वो खेल कराने का काम किया, सरकार ने इसमें हमारी जो है मदद की है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को भी देना चाहता हूँ। सर, खेल की काफी बातें हो गई, अभी कुछ राजनीति की, क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो अभी आपको ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी मिल गई है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है आपको मतलब सक्रिय राजनीति किनारे करने की कोई साजिश है या इस तौर पर आप देखते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। खेल तो हमारे जहन में बसा हुआ है, हर घर के अंदर में। आज आप देखिए पूरे पहाड़ में जितनी फैमिलियां रहती हैं, मैं अपने विधानसभा की बात बताऊं, अगर 90,000 वोटर वहां पर हैं, 90,000 मकान वहां पर हैं, 90,000 लोग जो है, अगर वहां पर जनसंख्या है जो एक विधायक को चुनने जाती है या एक एमपी के टाइम पर वोट डालती है या निकायों में डालती है, तो वो 90,000 परिवारों में मिनिमम जो है एक घर से एक स्पोर्ट्समैन है। मैंने कहा कि आपको राजनीति से किनारे कर, जो ओलंपिक की जिम्मेदारी मिले, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति में आपको किनारे कराने की साजिश है? जी, तो उन खिलाड़ियों के बारे में, उनके बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है, क्योंकि हम बचपन से खेलों से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति की अपनी जगह पर हमारी जैसी थी वैसी चल रही है। समाज सेवा हम बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, अपने क्षेत्र में 24 घंटा हम बने रहते हैं। आज भी, आज बागेश्वर जिले में मैं पहुंचा हूं, तो आज भी कुछ निर्धन बच्चों को जो है सामग्री देने हैं, कुछ पैसे चेक लेके आया हूं, कुछ चेक देने हैं, तो यही काम हम लगातार करते हैं। तो जब राजनीति का जब टाइम आएगा, तो क्या फैसला जनता उठाती है, जनता को देखते हुए राजनीति भी की जाएगी। तो मतलब ये माना जाए कि भविष्य में हम ये देखेंगे महेश नेगी द्वाराहाट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अभी ये बात तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यह पार्टियों के हाथ में होती है किसको टिकट देना है, क्या करना है, लेकिन मेरा प्रयास बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो है निश्चित तौर पर सक्रिय राजनीति में भी रहूं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जरूर ऐसा चाहिए, चाहे खेल को बढ़ाना हो, चाहे विकास क्षेत्र में कोई काम करने हो, तो ये प्लेटफॉर्म जरूरी है। तो अब मैं, हो सकता है पहले मेरे दिमाग में इस बात रहा होगा कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, अपने लिए बनूं, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये है कि अब मैंने जनप्रतिनिधि खिलाड़ियों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बनना है, जनता की सेवा के लिए बनना है, इसलिए मेरा ये स्टेप जारी रहेगा। थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी और पूर्व विधायक द्वाराहाट के महेश नेगी जी, जिन्होंने स्पष्ट मानना है, उनके उनके दिल में एक इच्छा है कि वो खिलाड़ियों के लिए कुछ करें, जनता के लिए कुछ करें, और उनका ये भी मानना है कि भविष्य में, निकट भविष्य में, जल्दी ही सक्रिय राजनीति में आकर जनता की सेवा करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।